हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी पूरी तरह से ये समस्या, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुई कि इनरोलमेंट वालों के साथ और रिजल्ट वालों के साथ क्या होगा। उसके लिए 10 दिन आप लोग वेट करना होगा, क्योंकि जो जिस तरीके से एयरफोर्स के चीफ बीआर चौधरी के द्वारा बताया गया है, उससे दोनों निष्कर्ष निकल सकता है। कुछ पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कुछ निगेटिव भी ले सकते हैं। कुछ का कहना हो सकता है कि अभी से, मतलब उनका कहना था कि अभी से जितने भी रिक्वायरमेंट होगी भर्ती की, उसको जो है हम अग्निपथ के रूप में लेंगे। तो अब से जितने भी वैकेंसी, जैसे कि अभी आपके बीच आपको पता होगा कि अग्निपथ का वैकेंसी स्कीम आ चुकी है, तो आप लोग जो भी हो इसके अंतर्गत आप लोग 4 साल के लिए यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, भले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप, इसको 10th लेवल का है, आप लोग अप्लाई कीजिए। और जो भी यदि आप 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए। और बाकी यदि बात आती है रिजल्ट वालों के साथ क्या होगा, इनरोलमेंट वालों के साथ क्या होगा, इसके लिए आपको 10 दिन अगले अपडेट की ओर वेट कर सकते हैं। क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, अभी जो है पूरी तरह से किसी के पास कंफर्मेशन नहीं है। ज़्यादातर निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो भाई मेरे तरीके से आप पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अब जो है एक भी स्टूडेंट घर में नहीं बैठेगा। सभी लोग, मेरे तरफ से भी सभी लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और हम भी आपके साथ रहेंगे। क्योंकि भाई ऐसा मेरे तरफ से तो भाई इतना निगेटिव तो नहीं सोचना चाहिए कि इनरोलमेंट और रिजल्ट वालों के साथ दिक्कत हो जाएगी, बट कुछ भी हो सकता है भाई। अभी आगे किसी को नहीं पता, 10 दिन आप लोग वेट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी होगा आगे की प्लानिंग हम आपसे भी डिस्कस करेंगे साथ में, आगे क्या होगा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। और बाकी आपकी, जैसा कि कहा गया था, आ गया है वैकेंसी। अब आप लोग जिसको भी भाई 4 साल के लिए जिसको जाना है, तो आप लोग जाइए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।